औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तबीरनामा 126 देखने वालों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आदमी मोटा देखना, आदमी लागर देखना, कमज़ोर देखना, आदमी लोहे का देखना, ख्वाब में आदमी तांबे का देखना, ख्वाब में आदमी कांच का देखना, ख्वाब में आदमी वर्म आलूद देखना, ये आज इसके हवाले से हम तफसीलन बात करेंगे। इससे पहले कि मैं इसके हवाले से बात करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर कोई शख्स आदमी मोटा देखता है, सेहतमंद देखता है, तो इसकी निशानी ये है कि वो अमीर और दौलतमंद होगा। अगर कोई शख्स कमज़ोर आदमी देखता है, लागर आदमी देखता है, तो इसका मतलब है कि तंग दस्ती हो, दरवेशी इख्तियार करेगा, मुश्किल यानी रिस्क में कमी की निशानी है ये। अगर आदमी लोहे का देखे, तो कोई शख्स अगर ख्वाब में आदमी लोहे का देखे तो इसका मतलब है ज़ाती माल और फारगुल बाली हो और दराजी उम्र हो, और उम्र दराज होगी और जो है उसके पास माल की फरावानी होगी। आदमी तांबे का देखना, अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखता है कि आदमी तांबे का देखता है ख्वाब में, तो उसका मतलब है कि दौलतमंद होगा मगर बखील होने की निशानी है, यानी बहुत ज़्यादा माल होने के बावजूद भी वो बखील होगा। आदमी कांच का देखना, अगर कोई शख्स कांच का आदमी देखता है यानी शीशे का, कांच का, तो ऐसे सूरत में क्या तबीर हो सकती है, इसका मतलब है कि मौत आए और घर में ख़राबी देखे, तो ये ख्वाब भी ठीक नहीं है। आदमी वर्म आलूद देखना, यानी आदमी को ज़ख्म हो और आलूदा देखे ख्वाब में, तो ऐसी सूरत में बीमार हो मगर सेहत पाएगा कि जल्द वो सेहत याब हो जाएगा। तो ये आज के हवाले से हमने बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।